पन्ना जिले के पवई भारतीय किसान संघ ने किसानों को हो रही विद्युत समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ महाकौशल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी पवई को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने जिले के किसानों को 24 घंटे विद्युत प्रदान करने, ग्रामों में विद्युत लाइनों का मैनेजमेंट मेंटेनेंस करने, वोल्टेज की समस्या का निदान करने और खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने समेत पेयजल की समस्या का समाधान करने जैसी मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामकृपाल पटेल, प्रीतम सिंह और भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता शामिल थे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ पन्ना जिला ने शासन प्रशासन से मांग की है कि किसानों को नवम्बर और दिसम्बर में 24 घंटे बिजली चाहिए। इस समय किसानों की भूमि जो है सिंचाई के लिए अति आवश्यक है तथा विद्युत का मेंटेनेंस नहीं किया गया है, वो मेंटेनेंस किया जाए। कई गांव में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिससे किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही है। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है यथाशीघ्र पन्ना जिले के समस्त किसानों के ट्रांसफार्मर बदले जाएं, अन्यथा सभी विद्युत ऑफिसों का हम घेराव करेंगे। क्या नाम है आपका? राम खिलावन पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।